हाय भैया। अरे कैसे हो भाई लोग? ठीक ठाक है ना? हो एकदम मस्त। जीते रहिए और बिंदास मुस्कुराते रहिए। वैसे भी ये जिंदगी आप उधार में थोड़ी ना लेके आए हैं। चलिए आज हम आपको बताते हैं डिस्क जिसके प्लेन पर लंबवत होते हुए सेंटर से पास करने वाली एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। इसको आसान शब्दों में समझिए। सीढ़ी होती है ना, जिसे हम लोग पिक्चर चला के देखते हैं, उसका कैसा सीढ़ी कैसा आप महसूस करें, उसके प्लेन पे लंबवत सेंटर से पास करने वाली एक्सिस की अबाउट आपसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया मांगी जा रही है। कंसीडर कर लीजिए मास कैपिटल एम होगा और रेडियस कैपिटल आर होती है। ड्रॉ करते हैं इसे। ये रहे एक थीम, यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क। इसका मास कुछ होगा, मास आप जान रहे हैं कैपिटल, और रेडियस कैपिटल आर। इसका सेंटर और सेंटर से ये वाले आप रेडियस रख लीजिए, मास एम वो भी डाल दें। इस डिस्क का एरिया क्या होता है? जरा सोचिए, यहां डिस्क होगा, बहुत सारे संकेंद्रीय रिंग्स से बने होंगे, सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे एक रिंग जिसकी चौड़ाई डीएक्स है मान लेते हैं। सेंटर से ये वाली डिस्टेंस एक्स और इसकी चौड़ाई आप मान लें डी एक्स। हम आपसे पूछें ये एरिया क्या हो जाएगा? रेडियस इनके लिए एक्स है, इसका परिधि हो जाएगा 2 पाई एक्स, चौड़ाई डी एक्स है, परिधि और डीएक्स इन दोनों का मल्टीपल एरिया ऑफ दिस रिंग दे देगा आपको।
टू फाइव एक्स इंटू डी एक्स। इस डिस्क में बहुत सारे रिंग्स जिनका सेंटर कॉमन सेंटर ओ होगा, तो इसे हम कॉन्सेंट्रिक रिंग्स कहेंगे। देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ कॉन्सेंट्रिक रिंग्स। सम कैन बी ए ब्लर जिनसे यह डिस्क बना होगा, इनकी संख्या बहुत सारी होगी। उनमें से हमने वन रिंग कंसीडर करा जिसका एरिया 2 पाई एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा। इन विच वन रिंग है, एक रिंग के पास एरिया इतना आ जाएगा। इस एरिया के लिए हम आपसे मास की बात करें तो क्या कहेंगे आप, या जो डिस्क है इस डिस्क का एरिया पाई आर स्क्वायर है। पाई आर स्क्वायर के लिए मास कैपिटल एफ यूज कर रहे हैं आप, तो यूनिट एरिया के लिए क्या यूज करेंगे, एम अपॉन पाई आर स्क्वायर। और आपसे जब बातें करी जाए 2 पाई एक्स इंटू डी एक्स एरिया के लिए मास, तो 2 पाई एक्स इंटू डी एक्स से यह अंतर मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहां टर्म है, यहां टर्म इस रिंग का मास हो जाएगा। मास ऑफ दिस रिंग डीएम, और डीएम की वैल्यू एम बटे पाई आर स्क्वायर इंटू टू पाई एक्स डी एक्स। इतना हो जाएगा। पाई को पाई से हटा दीजिए, एम बटे आर स्क्वायर और टू एक्स डी एक्स। आपने डीएम कैलकुलेट कर दिया, इसमें डिस्टेंस जो एक्स है इसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा इस रिंग का। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आई ऑफ दिस रिंग, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डी आई से कह लीजिए, डी आई इक्वल्स डी एम इंटू एक्स स्क्वायर। डीएम मास है रिंग का और यहां जो एक्स स्क्वायर है ये क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है।
ये वाली डिस्टेंस स्मॉल एक्स, डी एम की जगह एम अपॉन आर स्क्वायर टू एक्स डी एक्स, और याद कर एक्स स्क्वायर। देखिए एक्स क्यूब और डी एक्स बाकी टर्म को कॉन्स्टेंट रहेगा, टू एम अपॉन आर स्क्वायर एक्स क्यूब डी एक्स। यहां जो एक्स है ध्यान कर रहा है, यहां जो जीरो है और यहां जो आर है इनके बीच, तो जीरो से आर के बीच एक्स आपका ध्यान कर रहा है। एक्स जीरो भी हो सकता है और एक्स आर भी हो सकता है जब आप इसे बढ़ाएं या घटाएं। तो इसका मतलब यह है कि जो हम इन छोटे छोटे कॉन्सेंट्रिक रिंग्स को आपस में जोड़े जिससे मेरा यह डिस्क बनेगा, रिंग जिनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इनके लिए इंटीग्रेशन के लिए जीरो टू आर, जीरो टू आर, और यह जो टर्म है यह टर्म मोमेंट ऑफ इनर्शिया डी आई है जो इस रिंग का है, टू एफ अपॉन आर स्क्वायर एक्स क्यू डी एक्स। यहां पूरे डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा, क्यों कारण कि जितने भी कॉन्सेंट्रिक रिंग्स हैं इसके अंदर सभी कॉन्सेंट्रिक रिंग्स को हमने आपस में जोड़ दिया है जिनसे ये आपका पूरा डिस्क बना है। तो एक कॉन्सेंट्रिक रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने पता कर ली, और इनके जैसे जितने भी रिंग्स हैं सभी के मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया पता करने के लिए जो प्रॉपर लिमिट है, विधि प्रॉपर लिमिट इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया का इंटीग्रेशन हुआ है जिससे आपको डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के आएगा। टू एम बटे आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा एक्स क्यू डी एक्स। जब आप इससे इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, याद है आपको x टू दी पावर m dx का इंटीग्रेशन आपने पढ़ा था, x का पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, n की जगह अगर आप 3 यूज करेंगे तो क्या मिलेगा x टू पावर 4 अपॉन 4। तो इसे एक लाइन बढ़ा दीजिए, इंटीग्रेशन की लिमिट रख लीजिए 0 टू r, और यहां m अपॉन r स्क्वायर बाहर आ जाएगा, इसे बाहर कर लीजिए x क्यूब डी एक्स बराबर टू एम अपॉन आर स्क्वायर और एक्स टू दी पावर 4 अपॉन 4, इसकी लिमिट आ जाएगी 0 टू आर। आर टू दी पावर 4 हो जाएगा अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो ये तो हट जाएगी, टू एम अपॉन आर स्क्वायर आर टू दी पावर 4 अपॉन 4, इनको इनसे हटा लीजिए और इनको आप इनसे हटा लीजिए, एम आर स्क्वायर अपॉन 2। इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के आया हाफ एम आर स्क्वायर। अब एन एक्सिस,
ये वाली। परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसी एक्सिस से तो हमने लिया था ना, ठीक। तो अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, इस प्लेन के लंबवत है। और इसके और आपको मिलता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ एम आर स्क्वायर। इतनी सारी बात आप ध्यान रखिए।